रीवा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। महाकाल मंदिर कुछ नियमों की तर्ज पर अब रीवा के देव तालाब श्रृंगारेश्वर धाम में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इस मंदिर में पूजा करने आने वाले पुरुष धोती पहनकर ही आ पाएंगे, तो वहीं महिलाओं को साड़ी पहनकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा। दरअसल मंदिर परिषद की बैठक में एमपी विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मौजूद रहे और इस बैठक में मंदिर में एंट्री को लेकर ये नियम बनाया गया। मंदिर में प्रवेश को लेकर मंदिर प्रबंधन ने कुछ बंदिशें लगाई हैं। मंदिर प्रांगण में जींस जैसे परिधानों को पहनकर जाना बैन कर दिया गया है और देव तालाब शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले पुरुषों को धोती पहनना होगा, तो वहीं महिलाओं को साड़ी पहनकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा। जिन महिलाओं ने साड़ी पहनी होगी वो ही भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगी। तो गिरीश गौतम ने कहा कि आधुनिक परिधानों को पहनकर आने वाले लोग मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन करेंगे, अन्यथा वो मंदिर ना आए। सबसे एक तरह से यह कहा जा सकता है कि धार्मिक आस्था के प्रतीक रूप में जो निर्णय हुआ है उसको ज्यादा प्राथमिकता के साथ लिया गया है कि मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को हर हालत में उसको जेंट्स धोती पहनना पड़ेगा और महिला को अपनी धोती पहनना पड़ेगा। अभी होता क्या, लोग जींस में चले जाते हैं, चमड़े का बेल्ट लगा के चले जाते हैं और उससे हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है। इसलिए उसमें निर्णय हुआ कि इसी आषाढ़ महीने से हम उसको लागू कर देंगे। पहले अवेकनिंग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूकता के बाद उसको सख्ती से पालन करेंगे उसमें। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अशोक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, अब श्रृंगारेश्वर धाम में ड्रेस कोड लागू हुआ है, जिन महिलाओं को जीन्स पहनने की आदत है उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सभी को साड़ी पहननी होगी, वहीं पुरुषों को धोती अनिवार्य कर दी गई है। जी जी हाँ, कल जेतलाव शिव मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक बैठक ली गई थी जिसमें एसडीएम सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर परिषद के जो सदस्य हैं सब मौजूद थे। उसमें निर्धारित किया गया है कि पुरुष अब वहां धोती पहनकर और महिलाएं साड़ी पहनकर दर्शन लेगी। इसके अलावा पैंट शर्ट वहां वर्जित कर दिया गया है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। कई लोग गरीब परिवार हैं और जो मध्यम वर्गीय है जिसके पास मतलब जो युवा हैं धोती नहीं पहन सकते वो अब दर्शन से वंचित हो जाएंगे, ये भी चर्चाएं हैं वहां। चलिए अशोक, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, श्रृंगारेश्वर धाम में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि मंदिर प्रांगण में जो भी महिलाएं पहुंचेंगी उन्हें साड़ी पहनना अनिवार्य होगा और मॉडर्न ड्रेसेस यहां अलाउड नहीं रहेंगी। वहीं जितने भी पुरुष जलाभिषेक करना चाहते हैं उन्हें धोती पहनना अनिवार्य होगा। इससे पहले महाकाल मंदिर में हमने देखा था इस तरह के नियम लागू हुए थे, लेकिन अब देव तालाब के श्रृंगारेश्वर धाम में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।